आईपीएल का सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है और इस साल यानी कि 2022 के अंदर जब ये आईपीएल का सीजन हो रहा है तो सभी फैंस को मैं आप सभी को बता दूं कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, हम आप सभी को बड़ी खबर बता रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के इस बार कप्तानी के रूप में देखे नहीं जाएंगे। तो आखिरकार सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि कौन चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालता हुआ नजर आएगा। तो हम आप सभी को बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है उसमें रविंद्र जडेजा का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स की कमान सौंपी जा सकती है और उन्हें इस बार रिटेन भी 16 करोड़ रुपए में किया गया है। तो इससे अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वही चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान नहीं होंगे। उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ दी है, उनकी जगह जडेजा कमान संभालेंगे। जडेजा 2022 से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं और माही की कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल का खिताब भी जीता है। चेन्नई टीम ने इस बार जडेजा और धोनी समेत 4 खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया था। वहीं जडेजा को फ्रेंचाइजी ने 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। वहीं धोनी को इस सीज़न के लिए 12 करोड़ रुपए मिले और पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि जडेजा को कप्तान बनाया जा सकता है। उनके अलावा मोइन अली को 8 करोड़ रुपए और ऋतुराज गायकवाड़ को 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली को भारत का वीज़ा मिल गया है और वह मुंबई पहुँच भी गए। हालांकि वह पहले मुकाबले में उपलब्ध नहीं रहेंगे, उन्हें पहले 3 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। मोइन अली तो टीम में शामिल हो गए हैं लेकिन तेज गेंदबाज दीपक चाहर शुरुआती मैचों में दिखाई नहीं देंगे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।